press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, मेरा नाम है कृष्णा और स्वागत करूंगा आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है कृष्णा व्यूज। दोस्तों आज मैं काफ़ी जोश में हूं, क्योंकि जोश में होना भी चाहिए क्योंकि आज मैं जो ब्लॉग देखने वाला हूं वो ब्लॉग है इरफान जुनेजो, जो कि जिनका मैं पहला ब्लॉग मैंने देखा था नारायण वैली का, और मैं इनका फ़ैन हो गया था। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, उनका अंदाज मुझे बहुत पसंद आया था ये ब्लॉगिंग का, तो मैंने भी उसके बाद सोचा था कि मुझे भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहिए। और इस वीडियो के नीचे, और हालांकि अभी तक बहुत सारी वीडियो के नीचे ग्वादर रैली, जो इनका एक डिफरेंट ब्लॉग है जहाँ पे इन्होंने ग्वादर को एक्सप्लोर किया है, तो काफ़ी लोगों ने मुझे डिमांड की थी कि उस ब्लॉग को देखिए, तो आज मैं ज़रूर इस ब्लॉग को देखने वाला हूँ। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, ना कि सिर्फ ग्वादर को और इनकी अंदाज और इनके इस वीडियो में क्या खास है। तो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद मैं अपना रिव्यू आप दूंगा। तो हियर वी गो, 1 2 3 एंड स्टार्ट। यार टेलीनॉर के सिग्नल ही नहीं आ रहे भाई, ये ई आ रहा है, ई का क्या करूं मैं। टेलीनॉर फेल हो गया, इंटरनेट पे होता है इधर, मतलब ग्वादर, आई मीन ग्वादर ग्वादर। इनके जो ट्यून होते हैं बहुत रिलैक्सिंग होते हैं। मैं आया था ग्वादर कल जहाज में, पी आई ए। हाँ भैया, हम जा रहे हैं ग्वादर, ग्वादर पहली दफा, और 7 साल में पहली दफा पी आई ए में बैठ रहे हैं। क्या बात है, पहली बार। टेक ऑफ के वक्त मुझे वीडियो बनानी थी, लेकिन मेरे बराबर में अंकल बैठे थे, वो कह रहे हैं कि जहाज में वीडियो बनाना अलाउड नहीं। मैंने बोला अंकल मैंने 1000 दफा बनाई है, कुछ नहीं होता। उन्होंने बोला नहीं बेटा, इट्स नॉट अलाउड। ये तो करेक्ट बात है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मेरे से तो मेट्रो में हुआ है कितने बार, इसी चक्कर में लड़ाई हो गई थी हमारी। आ गए भैया हम ग्वादर, ग्वादर आ गए। और ग्वादर पहुंचते ही मुझे पता चला कि भैया ग्वादर इज ऑल्सो नॉट कमिंग। मुझे मालूम है ग्वादर बोलते हैं, लेकिन ग्वादर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा फन वे में ये भी बोल रहे हैं। यहाँ पे एक फुटबॉल स्टेडियम है, वहाँ एक गाड़ियों की एग्जीबिशन थी और वहीं गेस्ट को वेलकम कर रहे थे जो भी रैली में आ रहे हैं, तो वहाँ के सीन तो कुछ क्रेजी। हाँ भैया, हम आए थे इधर ग्वादर रैली और यहाँ पे सीन कुछ ऐसे हैं। ओह वाओ, कलरफुल कल्चरल प्रोग्राम्स। ओह मुझे मिले मेरे दोस्त सलमान पटाखा, वो अपनी बाइक पे आए थे। बाइक कैसे छोड़ सकता हूँ। हम लोग ग्वादर बीच पे आए हैं, सनसेट होने वाला है और घोड़ा भी साथ लाए, अली भाई के पास एक घोड़ा है, तो ग्वादर एंड घोड़ा एंड सनसेट, उफ क्या कॉम्बिनेशन। घोड़ा बाइक चलाना आसान है, घोड़ा मुझसे सिर्फ फर्स्ट गियर में चलता है, लेकिन अली भाई तो प्रो है ना, प्रो भी और ब्रो भी। वाह, ये जो सीन होता है यार, इस टाइम पे हॉर्स राइडिंग करना मतलब जबरदस्त। तो भी ऐसे बीच पे सनसेट हो रहा हो उस टाइम पर, जबरदस्त से अच्छी मस्त चीजें कुछ नहीं हो सकती। और आज है मेन रैली इवेंट जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। नाश्ता कर लें, ये चाय नहीं है, मैं चाय नहीं पीता, ये है दूध बादाम पिस्ते का कुछ सीन है इधर, तो नाश्ता करें। मुझे तो चाय जैसी ही लग रही है। ये इनको भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर्स, खासतौर पर यंगस्टर्स चाहिए, जो कि इन कार्रवाइयों में, इन एक्टिविटीज़ में, इसके इंतजाम में हिस्सा लेंगे। वी है ग्वादर ऑफ रोड रैली, काफ़ी मशहूर मशहूर नाम सुन रहा हूँ मैं, तला रईस, नादिर मकसी, रोनी पटेल, खबरों में सुनता था सिर्फ। अभी पहली गाड़ी
फिनिश लाइन को क्रॉस किया उन्होंने, नादिर मक्सी ऑफ कोर्स, और बाकी सारी गाड़ियां जा रही हैं 5-5 मिनट के इंटरवल से, उनका टाइम नोट हो रहा है। जी बरेली बोला, रेसिंग वगैरह हो गया। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है यार। अरे पीरिंगा खमाजा पारिय सारी मॉडिफाइड गाड़ी है। फुलसिए मैजिल फुलसिए आई कबो के पीर दुपासिए फियप करियो नु जिरुमाफी शेनलो लाडे मती भंडी शहर सपार जिरुमाफी शेनलो लाडे जिरुमाफी शेनलो लाडे मती भंडी शहर सपार मती भंडी शहर सपार उली फुल करे मंगुली फुल करे ऐसे ट्यून कहां से मिलते हैं ऐसे मिट्टी मिट्टी हो गया उधर का, ऐसे ही पूरा रेगिस्तानी लग रहा है। अरे शायरा पारे नो जैरी तमान उन सालना मौसम पूरा साना कान है चिक्का गोरी छट पाव जोरे ने अतम लग गया हांति पाव तोरे ने अला भाग्या पट्टी पाव जोड़े ने होली हुल करे मंगुली हुल करे उल्ले गिर करे सेठे शिर करे। ये तो देखने का अपना ही एक अलग एक्सपीरियंस होगा। रैली खत्म हो चुकी है और जो विनर हैं उनसे मैं वहाँ नहीं मिल सका था, इसलिए मैं पीसी गवादर आया हूँ सुल्तान मोहम्मद से मिलने, वो जीते हैं रैली। ओ क्या बात है, अभी तो देखिए वीडियो रैली खत्म हो चुकी है, मैं आया हूँ पीसी गवादर में। रैली के रिजल्ट्स, नंबर वन आए हैं साहिब ज़ादा सुल्तान मोहम्मद, नंबर टू पे आए हैं नादिर मक्सी, और नंबर थ्री पे आए हैं रोनी पटेल। सेलिब्रिटीज भी आना शुरू हो गए हैं, अली जफर आ गए हैं, आतिफ आ रहे हैं। रैली की क्लोजिंग सेरेमनी रात को है, तो तब तक क्यों ना गवादर वाटर ब्रेक देख लिया जाए। वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे सिर्फ ड्रोन उड़ाने का बहाना चाहिए। सही बात, मजा आता है हेलीकॉप्टर उड़ाने में। ये टेलीनोर सॉन्ग आ गया। ओ कटे मिलता हसी ओ रे जानी ओ रे प्यारा ओ रे ओ सोहा कटे मिलता हसी। मैं कौन से टेलीनोर सॉन्ग नहीं था, ये था, ये अभी मैंने जो सुना ऐसे ही थोड़ी, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये ऐसी गलियां होगी। ये रैपर सॉन्ग था ना, ये उसका है। पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पॉइंट ऑन। सिद्धी सॉन्ग था ये, सिद्धी सॉन्ग याद आया, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा भूल सा गया था। सारे सिंगर आ रखे हैं बड़े बड़े और शोज़ में। गवादर की हिस्ट्री में सबसे पहला मेजर कॉन्सर्ट अख्तर चनाल, अली जफर, आतिफ असलम। आतिफ असलम आ रखे हैं यहाँ पे। चारों तरफ
कॉन्सर्ट अभी तक चल रहा है लेकिन मेरा काम पूरा हो गया है। मेरे भाई के गेम्स किए हैं, खाना भी तो खाना है यार। सही बात है, खाओ खाओ। तो सब्सक्राइब कर दीजिए इनको जल्दी से जाके। ये वीडियो मुझे बहुत पसंद आई और इनके ब्लॉग हालांकि मुझे बहुत पसंद आते हैं पहले से ही। और अगर आप लोगों को भी ये पसंद आया है और अगर आपने पहली बार ये वीडियो देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से इनके चैनल पर आप इसी तरह के और भी ब्लॉग्स देख पाएंगे। तो मैं पहले बात करता हूँ वीडियोज़ की, जो इन्होंने सॉन्ग वगैरह चूज़ किया था मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, मुझे लगा टेलीनॉर का सॉन्ग है, फिर मेरे को भी याद आया बाद में नहीं टेलीनॉर का नहीं है वो सॉन्ग, क्योंकि आजकल मैं काफ़ी कुछ सुन रहा हूँ और बहुत सारे सॉन्ग वगैरह सुन रहा हूँ तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। लेकिन हाँ, लेकिन एटलीस्ट मुझे याद आ रहा है कि हाँ ये सॉन्ग मैंने वहाँ सुना था, यहाँ सुना था, तो ये एक बेनिफिट है। और दूसरी बात ये रही कि ये जो मतलब व्लॉगिंग था, ये कोई ग्वादर रैली कुछ शायद कोई बहुत बड़ा सा इवेंट होता है जिसमें का रेसिंग वगैरह होती है, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं और सिंगर वगैरह आते हैं, काफ़ी सारे बड़े बड़े हस्तियाँ आती है वहाँ पे, तो इस तरह का कुछ मैं समझ पाया हूँ। और वहाँ का इन्होंने कवर किया है पूरा, ये जो है काफ़ी मेहनत करते हैं एक वीडियो के पीछे, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं ब्लॉगर जब अगर कोई ट्रिप पे जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक ही वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं वो लोग, मतलब कि नहीं एक ट्रिप पर कम 5-10-15 वीडियो वो लाते हैं, लेकिन इनका देख के ऐसा लगता है कि इनका एक ट्रिप पे सिर्फ एक ही वीडियो आता है, तो ये पूरा चीज़ कवर करके सिर्फ 10 मिनट के अंदर वो पूरा का पूरा चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है इनकी, ऐसा लगता है कि हाँ ये मतलब यूट्यूब में पैसे कमाने के लिए नहीं है लेकिन एक तरह से लोगों को एंटरटेनमेंट भी देना चाहते हैं और अपनी कंट्री को एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ब्लॉग तो एज यूजुअल इनके अच्छे हैं ही पहले की तरह। दोस्तों अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को एटलीस्ट लाइक करिए और शेयर करिए ताकि थोड़ी सी हेल्प हो जाए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँ। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्थी गाइस।